की तरफ आज मैं आपको बताऊंगी कि चेहरे की रंगत को निखारने वाला आसान मास्क आप किस तरह से बना सकते हैं। जैसे कि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि इसके चेहरे का रंग गोरा हो, लेकिन गर्मियों की शिद्दत और गर्मियों के खूब गर्म मौसम में गर्मी की वजह से आपके चेहरे की जिल्द सबसे ज्यादा मुतासर होती है। धूप की वजह से आपकी जिल्द बाजू का झुलस जाती है, जिससे चेहरे पर बदनुमा दाग और निशान पड़ जाते हैं। मुलाजमत पेशा खवातीन जो कि किसी प्रोफेशन में होती हैं, उनको इस मसले का सबसे ज्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी और धूल मिट्टी की वजह से चेहरा मुरझा जाता है। बहुत सी खवातीन चेहरे से इन दाग धब्बों से छुटकारे के लिए बाजारी क्रीमों का इस्तेमाल शुरू कर देती है, जो फायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान पहुँचाती है। तो चेहरे की जिल्द को तरोताजा रखने के लिए एक मुफीद टोटका आपको बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही सस्ता है। आप किसी भी टाइम किसी अपने घर में मौजूद चीजों से बना सकते हैं। इस मास्क को बनाने के लिए आपको जिन चीजों की जरूरत होगी उसमें है मुल्तानी मिट्टी 1 खाने का चम्मच, खीरे का गूदा 3 खाने का चम्मच और जैतून का तेल 1 चाय का चम्मच। तरीका इस्तेमाल ये है कि आपने किसी प्याली में मुल्तानी मिट्टी, जैतून का तेल और खीरे का गूदा डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने चेहरे पर लगाना है। खीरे का गूदा आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि एक खीरा लें, उसको कद्दूकस कर लें, या चाहे तो आप उसको छोटे छोटे पीसेस में काट के उसको आप ब्लेंडर में डालकर उसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें, तो उसका जो पेस्ट सा बन जाएगा वो उसका गूदा ही होगा। तो उसको आप इस मास्क में इस पेस्ट में मिक्स कर लें मुल्तानी मिट्टी में और जैतून के तेल में, और फिर आप इसको 20 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद आप 20 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी से अपना चेहरा धो लें और कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप अपने चेहरे पर लगा लें। इस मास्क को आप हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें, चेहरे की जिल्द आपकी साफ हो जाएगी और इसके साथ साथ आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे थे और जो आपकी स्किन गर्मी की वजह से झुलसने के बाद जो निशान छोड़ी थी, वो सब आपके निशान इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे। चेहरे की जिल्द की ताजगी को बरकरार रखने के लिए एक और चीज भी बहुत जरूरी है, जो कि है आपकी प्रॉपर डाइट, मतवाजन गिजा जिसे कहते हैं, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करें। अगर आप ज्यादा चिकनाई वाली या जंक फूड का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी आपकी जिल्द पर बुरे असरात पड़ेंगे। लिहाजा जिल्द को की बेहतरी के लिए ऐसी खुराक से परहेज करें, घर से बाहर निकलने से पहले सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी और सस्ती टिप। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती